नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं एसएफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। दोस्तों, कहते हैं कि किसी को अगर किसी की मदद करना ही है, किसी को कुछ पुण्य करना है, तो सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक बच्चे को शिक्षा देना या शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। तो ऐसा ही कुछ काम वसई की एक सामाजिक संस्था है जो कर रही है इस समय। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, तस्वीर ये वसई की एक सामाजिक संस्था दक्ष फाउंडेशन है, जिसने वसई अंतर्गत पापड़ी क्षेत्र के मराठी जिला परिषद मराठी उर्दू शाला में जाकर वहां के बच्चों को किताबें, कॉपियां और पठन सामग्री जो चाहिए वो उपलब्ध करवाई। कहीं न कहीं यह संस्था वह काम कर रही है कि जिससे देश का भविष्य जो है आगे जाकर उज्जवल हो और इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा में जो पैसे की कमी के चलते परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उससे निजात मिले। तो कहीं ना कहीं दक्ष फाउंडेशन बहुत सराहनीय काम कर ही रहा है। आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं। आज दोपहर दक्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश प्रजापति, कार्यकर्ता महेंद्र सिंह और महिला कार्यकर्ता पूरी दक्ष, इन तीनों के नेतृत्व में दक्ष फाउंडेशन के और भी पदाधिकारी पापड़ी की जिला परिषद मराठी शाला में पहुंचे और वहां लोगों को इस तरह से इन्होंने किताबें कॉपियां वितरण की। मैं भी आप सभी दर्शकों से ये एक आह्वान करना चाहूंगा कि आपसे भी जो कंट्रीब्यूशन हो सके, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कंट्रीब्यूशन जरूर दें, ताकि इन छोटे बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको पढ़ने में जो दिक्कतें और परेशानियां आती है, उसे निजात मिले और वो आगे जाकर सिर्फ अपने घर का ही नहीं अपने देश का नाम भी रोशन करें, ऊंची पढ़ाई पढ़े। तो यही हमारा मिशन होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से आह्वान करना चाहूंगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। सुनिए इन बच्चों ने दक्ष फाउंडेशन के द्वारा इनकी मदद किए जाने के बाद क्या कुछ कहा। नमस्कार। नाम बताओ। अरिबा इरम सद्दाम। पहली में ना, पहली में आप पढ़ के बताओ। थोड़ी आवाज ऊंची करो। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।